तो ये हम मुजफ्फराबाद में पहुंच गए और अभी टाइम हो रहा है 11:50 होने वाले हैं। कवाई से निकले थे हम, मुजफ्फराबाद में पहुंच गए और मैप अभी भी 2 घंटे बता रहे हैं हमारे कि मरी में हमें 2 घंटे लगेंगे पहुँचने। तो यहाँ से हमारा सफ़र फिर शुरू हो जाता है। हमने पेट्रोल पंप में हमें पेट्रोल डलवाना था, उसके लिए रुके थे। ये फिर उसी तरीके से ज़िगज़ैग रोड शुरू हो गई है मुजफ्फरबाद जो है ना, उससे हम आगे बढ़े हैं। यहाँ पर भी जो है ना वही एक तरफ खाई है और वो नहर चल रही है देखिए, और एक तरफ ये जो ऊंचाई है, तो ये उसी तरीके से ज़िगज़ैग शुरू हुआ है मामला। ये आगे कुछ लिखा हुआ है, कोहाला है 33 किलोमीटर। ये आने जाने के दोनों रोड हैं, आगे देखते हैं कि किस तरीके से आगे चलते हैं। ये साइड में देखें आपका वही नहर चल रही है। स्पीड लिमिट का आया मार्क, और वो देखिए इस तरफ खत्ती हो जा रही है। और ये जो केवाई से हमने देखी थी मुस्तकिल देखी कितनी बड़ी होती जा रही है मुस्तकिल देखी। मुजफ्फरगढ़ से हम गुज़र रहे हैं तो वहाँ पे देखें ये इस तरीके से है, ये साफ़ सुथरा है बिल्कुल मामला। रोड कदरे बेहतर हैं, जो पीछे हमने देखे थे उनसे कदरे बेहतर रोड हैं, लेकिन ज़िगज़ैग हैं वही के पहाड़ हैं और पहाड़ों को काट के रास्ता बनाया हुआ है। एक सामने आ रहा है वो, उसमें कोहाला लिखा हुआ है, 30 किलोमीटर दूर है। तो ये आगे जो आएगी वो जो यहाँ पे कोहाला आएगा, वही साइड में देखें नदी जा रही है, नदी का व्यू है। यहाँ कदरे कुछ बोर्ड मेंशन हुए हैं, तो खाई हुए और उधर नदी है, वो ये भी सर सब हुए हैं पूरे सारे पहाड़। मैप कह रहा है 1 घंटा 45 मिनट रह गया है हमारा। यहाँ भी बोर्ड अवेज़ हैं कि लैंडस्लाइडिंग का खतरा हो सकता है। ट्रैफिक ज़्यादा है क्योंकि मुजफ्फराबाद से ही है उसकी तरफ है ना, मरी की तरफ ट्रैफिक ज़्यादा है। तो वो पीछे देखें वहाँ पे वो नज़र आ रहा है आपको, दरिया बनता जा रहा है। ये बाज़ार आया बीच में, नंगे बुनियाद है ना जिसने रखा है। ये यहाँ से देख सकते हैं, ये नहर नदी थी वो गहरी और हो गई है और बड़ी हो गई है। और ये हम
आप लोगों को दिखा देता हूँ साइड से। ये लोगों की आसानी करने के लिए बनाया हुआ है। अरे तो हिल रहा है, हल्का हल्का ये हिल भी रहा है। इसको यहाँ से लगाया हुआ है, बांधा हुआ है। और ये नदी आ रही है, यहाँ से बाइकें भी गुजर सकती हैं, ऐसा अभी आप लोगों ने देखा है, लोग भी जाते हैं, बाइकें भी गुजरती है। तो वापस चलते हैं गाड़ी के पास, पुल तो बड़ा VIP है ये। अब आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। ये देखिएगा यहाँ से एंटर हो रहे हैं, वो सामने नदी आ रही है हमें नज़र। देखें व्यू इतनी गहरी बन गई है बिल्कुल ही। और ये हम जा रहे हैं मुजफ्फराबाद से निकल रहे हैं मरी की तरफ। आगे तक रोड नज़र आ रहा है ज़िगज़ैग, ग्रीन है बिल्कुल। देखें दरिया ही बनता जा रही है, वो नदी जो है अब दरिया बन गई है पूरी। लेफ्ट हैंड पे इस तरह है, वह उसी तरीके से जिस तरह हम किवाई जा रहे थे वहाँ की सड़कें थी, उनमें इनमें कोई फर्क नहीं है। कोहाला 28 किलोमीटर
मुजफ़्फ़राबाद से हम जो मरी की तरफ जा रहे हैं तो ये रोड तो कदरे बहुत बेहतर है कि इस पर दोनों तरफ से ट्रैफिक आने जाने का है। अब देखिए कितनी देर में, कोई मैप कह रहा है तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट है हमें मरी जाने में। इस रोड से हम जा रहे हैं, साफ़ सुथरा रोड है, इसमें आने जाने वाली गाड़ियां बड़े आराम से आ जा सकती हैं। ग्रीन है, बिल्कुल लश ग्रीन सब तरफ है, वो चल रही है, क्या नाम है, नदी जो है साथ में, ये स्टेट जा रहा है मामा, पहाड़ों को काट के लिए रास्ता बनाया है इसमें। बिल्कुल ग्रीन नज़र आ रहा है, इधर भी देखें ग्रीन है ये सारा रास्ता, सीधा बिल्कुल जो है ना बेहतर रास्ता है, बहुत चलने के लिए रात वात में शाम में भी। वाला का आया है 20 किलोमीटर, ट्रैफिक भी है, ऐसा जिगजैग आ रहा है यहीं से, सांप की तरह बल खाता हुआ यहीं से नज़र आ रहा है। देखिए है तो ख़तरनाक, यानी कि इसमें ऊँग वोंग आए ज़रा कुछ हो तो दूसरी तरफ तो खाइए। ये 1:06 इसमें बता रहा है मैप के अंदर, अभी हम यहीं से गुजर रहे हैं। ये वो हाला जो है ना वो 4 किलोमीटर जो है ना आगे है, मरी 44 किलोमीटर है। अभी ये पहला साइन बोर्ड आया था जिसमें मरी का मेंशन हुआ हुआ था, 44 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे बता रहा है 1 घंटा। इसी ट्रैक से हम जा रहे हैं, आने जाने वाला है, कोहाला आएगा और फिर मरी आएगा हमारा। ज़िगज़ैग रोड ही है भाई, सारा लश ग्रीन है। वाला 23 किलोमीटर जो है ना फास्टा रह गया, इंडिकेशन आया था बोर्ड पे। ये कोहाला के अंदर हम आ गए हैं यहाँ पे और तकरीबन 42-43 किलोमीटर दूर है यहाँ से मरी। ये कोहाला का बाज़ार है, रास्ते में हमें यहाँ पे पेट्रोल पंप भी आए थे और पुलिस की चौकियाँ भी हैं, छोटे मोटे से बाज़ार हैं यहाँ पे। ये बीच में से हम निकलेंगे, अभी 42 या 43 किलोमीटर दूर है अभी मरी, मरी की तरफ जा रहे हैं हम। ये पीछे वही वाली देखिए, वो नदी जा रही है, उसका व्यू आ रहा है नदी का, वो पीछे साथ नदी चल रही है। वो ये मार्किंग आ रही है आगे, भूरबन मरी सीधा जा रहा है, इस्लामाबाद रावणपिंडी भी सीधा है, बाग है और रवाला कोट, ये सब स्टेट हैं। ये
आगे ट्रक आ गया है, देखें रोड पतला सा है और इस पर ट्रक भी आगे आ गया है। रास्ता दिया है इसने, रोडों पे ट्रक तो ममनू होना चाहिए, तो ख़तरनाक ट्रकों का मामला होता है उसमें। देखे ना खाई है, सेफ्टी भी बस कुछ नहीं है, ना होने के बराबर है। गहरी खाइयाँ, गहरी से गहरी खतर, ऊँचे बुलंदो बाला पहाड़ और देखें पतली पतली सड़कें, आना भी उसी में से है, जाना भी उसी में से है। ये मुजफ्फराबाद अब यहाँ पे बस ख़त्म हुआ जाता है, ये नीचे वो नदी चल रही है और ये मोड़ है यहाँ पे, मुजफ्फराबाद ख़त्म हुआ है। आगे तकरीबन एक घंटे का हमारा सफर है। देखें ये आ रहा है साइन बोर्ड, इस पर लिखा हुआ है मरी जा रहा है 40 किलोमीटर है इस्लामाबाद, 95 किलोमीटर रावलपिंडी, 110 किलोमीटर 40 किलोमीटर रह गया है मरी, और उससे दुगना फासला इस्लामाबाद का है। यहाँ से मैप भी कह रहे हैं राइट पे टर्न ले, और हम ये देखें राइट पे टर्न ले रहे हैं। खुश आमदीद केपी के लिखा हुआ है सामने, और ये देखें ये साइड में वही वाली नहर आ रही है कि जो हम शूट कर रहे थे वहीं से, जो किवाई से आ रहे थे, तो ये नीचे देखें आ रही है, इसके ऊपर से हम गुजर रहे हैं। सामने ये लिखा हुआ आ रहा है खुश आमदीद खैबर पख्तूनख्वा, और यहाँ लिखा हुआ भी है इस्लामाबाद 96 किलोमीटर, मरी 30 किलोमीटर, भगवाड़ी है 17 किलोमीटर। तो अब हमारे ये राइट हैंड पे आ गया है दरिया, कभी हमारे राइट हैंड पे आ जाता है कभी लेफ्ट पे, तो अब ये हमारे लेफ्ट हैंड पे चल रहा है, ये दरिया ही बन गया है आप समझ लें। ये ठाटे मारता हुआ इसकी आवाज़ आ रही है, और स्ट्रेट ये जा रही है रोड हमारी, मरी की तरफ हम जा रहे हैं। एक तरफ खाई है बहुत ख़तरनाक है, देखें इसमें पानी है, और दूसरी तरफ जो है ना ये ट्रैफिक है, यहाँ पे आने जाने वाली एक ही है। तकरीबन एक घंटा ये शो कर रहा है बचा हुआ है, वही ज़िगज़ैग रोड है मरी की तरफ, सफ़र हमारा जारी है। देखें बोर्ड लिखा आया है, इस पर लिखा है इस्लामाबाद 88 किलोमीटर, मरी 25 किलोमीटर है, अब भगवाड़ी 10 किलोमीटर, तो अब 25 किलोमीटर का रास्ता रह गया है। टाइम तकरीबन 47 मिनट्स है हमारे बाकी, घूम के अब देखें ना कितना ख़तरनाक सा रास्ता है ये भी, वो चढ़ के नीचे आप देखें वो पीछे नीचे कितनी बड़ी खाई है, देखें पहाड़ पहाड़ और नीचे खाई दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है।
और इस पे ये आसपास कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर ये गिरती है जलजलों में, उसका भी शिकवा करते हैं। तो यहाँ खाइयों के पास तो होनी नहीं चाहिए ये कंस्ट्रक्शन वगैरह, डेंजरस होता है मामला। लैंड स्लाइडिंग का भी इधर मामला है, पत्थर गिरे में उसके बावजूद कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन तो किसी हालत में होनी नहीं चाहिए इधर आसपास। सारी गहराई नजर आ रही है, अभी देखें किस तरीके से हुआ था। आगे वाली गाड़ी जो है ना बहुत तेज आ रही थी, तो यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुई हुई तो इधर से जा नहीं सकती। हाँ, मेरी तरफ आई, गलत तेज आ रहा था ना, गलत कर रहा है वो, तेज नहीं चलाना चाहिए उसे। यही तो मसला है, लाइफ आपने देख लिया कि यहाँ मामला कैसे, ये लाइफ आपने देखा है। अब होता ये कि जब ये आपको हिट करता तो वो मोमेंटम मिलता है, मोमेंटम मिलता है आपको, फेंक देता है इधर, तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है, एक्सीडेंट हो गया, गिरा, जो घाई गया बस हो गया, इसको थोड़ी कोई पकड़ता है, ये तो यहाँ से निकल जाता, वो यहाँ ना कैमरा रिकॉर्डिंग, ना कोई पकड़ दकड़, ना कोई। वो देखे कितनी बड़ी खाई है, पूरी नीचे तक खाई गई हुई है, ऊपर ये रोडों पे आना जाना दोनों हो रहा है, उस पर ये बड़े बड़े बसें भी आ गई हैं इसमें। ये कितनी गहरी है नीचे, और ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रही हैं ऊपर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो आने वाला है डेफिनेटली, वो नीचे आ रहा है तो वो मोमेंटम मिला होता है। इतने खतरनाक मोड़ है, देखो सारा नीचे कितना गहरा गया हुआ है, कोई साइन बोर्ड नहीं आया जिस पे लिखा हो कि मरी कितना दूर है। परेशानी होगी इसमें जाने के लिए, दिन में हमें इतनी परेशानी हो रही है, तो रात को तो पूछे ही ना। ये पेट्रोल पंप है छोटा सा, बड़ी बात है बनाया हुआ पीएसओ का। ज़्यादातर मैंने नोट ये किया है भगाते हुए आ रहे हैं गाड़ी यहाँ पे लोग, वो खास केयर नहीं कर रहे हैं, डर वर कुछ नहीं है, बस ये कि मिसहैप होगा किसी के साथ फिर उसको सबक मिलेगा। स्पीड का निशान दिया हुआ है इस पे 40 किलोमीटर पर आवर चलानी है। गेला मोड़ लिखा हुआ ये आया है, खाई है इस तरफ, और ये कोई सेफ्टी नहीं है रोड पे, बहुत गहरी खाई है इस तरफ लेफ्ट हैंड पे, ये मोड़ है सारी ज़िगज़ैग, आने वाला या जाने वाला कोई भी मिस्टेक करे तो उससे हादसा हो सकता है, जिसमें इतनी गहरी खाई नज़र आ रही है। देखें मोटरसाइकिल वाले और सारे हर तरीके के लोग इधर आ रहे हैं,
ना रोड के यहाँ पे लेफ्ट पे नीचे है बिल्कुल, थोड़ी मिस्टेक हो इधर उधर हो गाड़ी आपकी कहीं से कहीं गई। रोडों पे कोई खास डेवलपमेंट नहीं की गई है, बस ऐसे ही चल चलाओ काम है। नहीं आ रहा जिसमें मेंशन हुआ हुआ हो कि मरी कितना दूर रह गया, लास्ट जो देखा था उसमें 30 किलोमीटर था। अब देखते हैं आगे कोई साइन बोर्ड आए तो उससे पता चले कि मरी कितना दूर रह गया। ये देखिए कितनी गहरी है, पूरा व्यू आ रहा है पूरा सारा। तकरीबन 30 किलोमीटर रह गया है मरी हमारा, और ये जो भूतिया रास्ता है ये लंबा चल रहा है इतना ख़तरनाक, इसमें से हम जा रहे हैं। और ये पीछे देखें इस तरीके से सारी आबादी फैली हुई है सारी, और सब मामलात खाई के रास्ता बहुत डेंजरस है भैया। मरी 27 किलोमीटर दूर है तकरीबन। बगाड़ी की ये मार्केट है, देखिए कंजेस्टेड रोड है, यहाँ गुजरना बहुत मुश्किल हो रहा है, आने जाने वाली ट्रैफिक है पूरी, और लोग हैं इतना रश है यहाँ पे, मुश्किल हो रही है यहाँ से गाड़ी निकालना जो है ना, क्योंकि यहाँ पार्किंग दोनों तरफ गाड़ियों की हुई है लोगों ने। ईद है ना कल, उसकी वजह से यहाँ काफ़ी रश हुआ हुआ है शॉपिंग वगैरह करने के लिए। अभी साइन बोर्ड आया उसमें लिखा हुआ था मरी 22 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे टाइम बता रहा है पहुँचने में 43 किलोमीटर, तो 22 किलोमीटर दूर रह गया है मरी। और ये जिगजैग जो रोड हैं वो कंटिन्यूस हैं, एक आता है फिर दूसरा आता है फिर तीसरा आता है, इस तरह आते जाते हैं हिसाब रोड, और एक तरफ खाई और एक तरफ ये पहाड़ी। ये देखें किलोमीटर दूर है मरी, सबसे खतरनाक तरीन रास्तों में से ये रास्ता हमें लगा कि जो हम मुजफ्फराबाद से मरी की तरफ जा रहे हैं सबसे खतरनाक रास्ता है। ये देखें यहाँ पे कितना रश है, गाड़ी निकालना ही बहुत वो हो रही है मुश्किल। इसकी वजह ये है कि ये लोकल यहाँ की मार्केट है, और कल यहाँ पे जो है ना ईद है यहाँ पे, इस वजह से देखिए ना लाइनें लगी हुई हैं गाड़ी की। अभी हमें
इतनी परेशानी हो रही है यहाँ जाते हुए, गाड़ी किसी को लग ना जाए, और ढलवान भी है यहाँ पे, चलाने में इतनी ट्रबल हो रही है। हमारी 23 किलोमीटर दूर है। इस्लामाबाद 59 किलोमीटर, मरी 12 किलोमीटर दूर है। ये आगे आ रहे हैं साइन बोर्ड, लेकिन इस पे मेंशन नहीं है कितना किलोमीटर है क्या है। हमने राइट पे जाना है मरी का, या इस्लामाबाद के नहीं है, लेफ्ट पे जाना होता है रावलपिंडी के लिए। मरी की तरफ जाएंगे राइट पे। लास्ट जो देखा था हमने तो तकरीबन उसमें 11 किलोमीटर का फासला था, तो यहाँ भी आगे एक आ रहा है कि इस्लामाबाद के लिए सीधा है, और मरी के लिए जो है ना गुरबन के लिए राइट पे। तेज और ठंड है। वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट मरी, देखें लिखा हुआ है। में हम लोग आ गए और वो सामने लिखा हुआ आई लव मरी। उस तरफ जा रहा है वो नथिया गली, अयोध्या, रावलपिंडी, अब्दाबाद, डोंगा गली और बारियान की तरफ का मामला। ये किस तरफ है, यहाँ पे हम लोकल लोगों से भी पूछ रहे हैं कि यहाँ पे हमें वो थोड़ा गाइड कर दें कि हमने किधर जाना है। मिटा हुआ है यहाँ से ना, देखें ऊपर माल रोड लिखा हुआ है, GPO बाईपास बांसरा गली, लेकिन ये एरोज थोड़े ख़राब हुए हैं। तो ये देखिए हम मरी की तरफ जा रहे हैं, माल रोड की तरफ। आगे देखते हैं कि क्या होता है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स का है एरिया, लोअर टोपा। देखिए जहाज़ वगैरह भी लगाए हुए इन्होंने, सिक्योरिटी का इंतज़ाम है काफ़ी इसमें सख्त। यहाँ से होके हम गुजर रहे हैं, तो मैप कह रहा था कि 12 किलोमीटर जो है ना फासला रह गया है मरी के लिए। सर माल रोड यहाँ से ऊपर जाएंगे, आपने स्टे करना है विजिट करना है? देखते हैं वहाँ जाके, अगर रुकना है तो मेरे पास फैमिली होटल है, अपार्टमेंट है, गर्म पानी, वाईफाई, कवर्ड पार्किंग, सब सुथरी जगह है। विजिट करवाने की फीस नहीं है, मेरे पास अपनी बाइक है, समझ में अच्छा लगे तो रुके, बाउंड नहीं है। अच्छा, साफ सुथरी जगह है, ठीक है। लेकिन अभी है कितना दूर मरी? 3 किलोमीटर ऊपर है, ऊपर माल रोड के साथ ही है। टोटल 2 से 3 मिनट की वॉक है होटल से माल रोड की, मेन माल रोड गाड़ी के लिए वैसे भी बंद है, कवर्ड पार्किंग, गर्म पानी, वाईफाई। मरी में नहीं जाती गाड़ी? मरी में ही है ना होटल, मेन माल के ऊपर नहीं जाती है, माल के ऊपर पैदल वॉक है, गाड़ी नहीं अलग जी। तो जिधर भी रुकना है भाई ने पैसे ही देने, अच्छा लगे तो रुके, बाउंड नहीं है। बकिया सुन्नत अमल है, वहाँ पे मार्केट है, मेरा होटल देखे, मार्केट में एक दो होटल और भी देखा। अपना नाम कार्ड दे दीजिए ना, फिर मेरे पास बाइक है, विजिट करवा देता हूँ, फीस तो नहीं है होटल दिखाने की। नहीं नहीं, वो फिर आपका भी टाइम वेस्ट होगा। हमारा काम ही यही है, टाइम क्या वेस्ट होगा, इसी काम के लिए तो आए हुए हैं, इंटर हुए हैं ना, जरा देखना देख लेंगे। तो आप 2-4 जगह बेशक और भी सर्च कर लेना, आपको अपार्टमेंट दूंगा, याद करेंगे। 2 रूम का सेट है, सिटिंग रूम, गर्म पानी, क्या हिसाब किताब क्या है सर? मुख्तलिफ प्राइस है, अपार्टमेंट 10,000 का भी है, 15 का भी है, 18 का भी है, 20 का भी है, हर कैटेगरीज है।
लेकिन साफ सुथरी जगह है। वो है क्या, वो गेस्ट हाउस है क्या या होटल है? सर फैमिली अपार्टमेंट है, फेयरफील्ड होम वो घर है समझे। जी जी, जगह विजिट करवाने की तो फीस नहीं है। आप सुनना तो मौला मार्केट है, एक दो तीन जगह और भी देख लेना। देख लेते हैं, अभी तो मैं आया हूं। थैंक यू। तो दिखा दूं सर को? नहीं नहीं थैंक यू, चलो जगह अच्छी दी है, अगर नहीं तो लॉन गार्डन के साथ भी दी है, रिसॉर्ट भी है। ये असल में तेज रास्ते में बैठे हुए ना, तो हमने तो देखना करना है। वो रास्ते से घेरने के लिए बैठे हुए हैं ना असल में। अभी रास्ते में मैं एक आदमी मिला था, वो कह रहा था कि आपको स्टे करवा देता हूँ, मोटरसाइकिल पे दिखा भी देता हूँ, लेकिन हमने कहा नहीं, हम खुद देखेंगे। जिस तरह ये लिखा हुआ आ रहा है मार्किंग माल रोड 3, आई थिंक 3 किलोमीटर दूर होगा, तो वहाँ जाके हम खुद देखेंगे वहाँ पे पैसों का हिसाब किताब। ये तो काफ़ी ज़्यादा बता रहा था पैसे, 10,000, 15,000, 20,000। और बिल्कुल स्टार्ट पे बैठा हुआ है वहाँ से। हम क्योंकि इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे वहाँ पे कि कौन सा क्या गेस्ट हाउस है, क्या मामला आते हैं, और वहाँ जाके फिर माल रोड की तरफ हम लोग जा रहे हैं। टैक्सी सच्ची के स्टार्ट ही में बिल्कुल वहाँ से आप देख लें कस्टमर को और लिया है। वो मोटरसाइकिल पे आता दिखाना, उसका भी टाइम वेस्ट होता है, हमारा भी, क्योंकि हम तो अभी उतरे हैं यहाँ पे, ज़रा देखेंगे यहाँ पे अपना हिसाब से और अंदर से विजिट करके रूम को, वॉशरूम वगैरह को देख दाख के, पैसे वगैरह सब कुछ करके फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं है। माल लोड की तरफ निकलना है। से बंद आ गए, समय देखा ट्रक पर खड़े, तो आगे नहीं जा सकेगी गाड़ी, आगे नहीं है। अगर पार्किंग करनी है तो सामने पार्किंग है, ठीक है, रिहाश करनी भी रिहाश ही उधर ही है। जाने तो गाड़ी में उतार दे, नीचे जाने जा तो जी गाड़ी में जा रही है, गाड़ी जा नहीं जाती लगा रहे ये लोग, आप चलें, गाड़ी चल रही है, छोड़ दो भाई, आप छोड़ दो, चलो मैं कह रहा नहीं जाती, स्टे करना है, अब जा रही है, घर में जाएंगे। हेलो, एक्सक्यूज मी जी, हाँ पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से सर, ये पैदल वॉक। देखें मार्किंग हुई हुई है, माल लोड आगे आ रहा है, रावलपिंडी के लिए लेफ्ट पे जाना है, एक्सप्रेस वे के लिए लेफ्ट पे, और भूरबन के लिए भी लेफ्ट, तो हम स्टेट जाएंगे माल लोड की तरफ। रास्ता इस तरीके से है, यहाँ पे छोटी सी रोड है, उसमें आ रही है ट्रैफिक और जा भी रही है, जहाँ जो भी होटल रेस्टोरेंट्स हैं वो ऐसे ही नज़र आ रही है।